What's up guys, most welcome here. It's Technopath Harvey, education special. Friends, our today's special topic is rocker arm lever in design of exhaust valve lever. Here is your friend Rahul Vyas. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एग्जॉस्ट वाल्व्स के लीवर्स की कुछ टाइप्स देखेंगे और उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है रॉकर आर्म लीवर। यहाँ पे रॉकर आर्म लीवर की एक ड्राइंग दिखाई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रॉकर आर्म में क्या होता है कि वन साइड कैम और फॉलोवर, जो आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके वो लर्न कर सकते हो। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक इलिप्टिकल और सेमी इलिप्टिकल टाइप की जो कैम होती है, उस वो सर्कुलर मोशन करती है और उसको कनेक्ट होता है रोलर, जो कि उसका वन पॉइंट हमारे लीवर के साथ अटैच होता है। रोलर क्या करता है, रोलर कैम की जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करता है। तो जैसे कि कैम यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट होंगी, तो जो ये हाफ पोर्शन है, जहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो हाफ सेमी सर्कुलर शेप है और आधा ये सेमी इलिप्टिकल शेप है, तो जो ये आधा सेमी सर्कुलर शेप है, वहाँ पे रोलर अपनी मोशन स्टेडी, यानी कि वो न तो रेसिप्रोकेट होगा, वो अपनी पोजीशन स्टेडी रह के अपनी जो सेंटर है वहाँ पे सर्कुलेट होता रहेगा। पर जब ये फोर्सन यहाँ तक आ जाएगा, तब यहाँ से स्टार्ट होगा इलिप्टिकल शेप। जहाँ से इलिप्टिकल शेप आते ही रुककर अपर साइड में मूव होगा, यानी कि रोलर को अपर साइड में थ्रस्ट लगेगा। तो जब रोलर अपवर्ड साइड में यहाँ पे थ्रस्ट होगा, तो जो ये लीवर का जो दूसरा पार्ट है, जिसको रोकर आर्म कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप लिखा है, जो आप पढ़ सकते हो रोकर आर्म, तो ये कहाँ पे मोशन करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो यहाँ से रोकर आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे टैपेट पिन दी होती है, तो जो कि वो वाल्व को ओपन करती है। यहाँ पे एक वाल आता है जो हमारे जो आईसी इंजन, मतलब जो इंजन्स होते हैं, उसमें जो फ्यूल्स की मात्रा को बढ़ाने घटाने का या फिर इनलेट करने का काम करता है। बेसिकली ये उसके लिए यूज़ होता है। ये रोकर आर्म है जो इस टाइप के वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे टाइमिंग का भी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे बहुत ही इफेक्ट करता है। तो वो आज हम उसका डिज़ाइन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसकी डिज़ाइन में एक एज्यूम डेटा के थ्रू हम यहाँ पे उसकी डिज़ाइन करेंगे, जो कि एक रेफरेंस के माध्यम से मैंने लिया है। तो आज हम डिज़ाइन ऑफ रोकर आर्म, यानी कि रोकर आर्म की डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे कि जो ये है थीटा, यानी कि जो रोकर्स आर्म है उसके बीच का एंगल हमें यहाँ पे दिया गया है 140 डिग्री, ओके। फिर यहाँ पे लोड दिया गया है 3 किलो न्यूटन, यानी कि 3 किलो न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो 3000 न्यूटन्स, ओके। यहाँ पे L1 दिया है, L1 फ्रेंड्स याद रखिएगा, L1 ऑलवेज कम लेंथ होती है रोकर आर्म की, यानी कि 150 mm दिया गया है, तो रोकर आर्म यहाँ से यहाँ 150 होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 150 mm मैंने यहाँ पे लिख दिया है। L2 दिया गया है 200 mm, यानी कि L1 से बड़ा है, ओके। तो वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है L/D का, वो हमें 1.2 दिया गया है। यहाँ पे एच दिया गया है, वो भी हमें रेशियो दिया गया है कि 2.5B, ओके। फिर कुछ हमें यहाँ पे जो उसके स्ट्रेसिस है वो दिए गए हैं। टेंसाइल स्ट्रेस हमें दिया गया है 70 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर,
और जो शियर स्ट्रेस है वो हमें यहाँ पे दिया गया है 40 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, और जो बेंडिंग लोड है वो 8 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो ये हमारा था गिवन डेटा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी डिज़ाइन की जो सॉल्यूशन है वो आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे जो अपने गिवन डेटा है उसको हम यहाँ पे ड्राइंग में इंडिकेट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अनदर वन हमारा रोकर आर्म का जो फिगर है वो हमने बना दिया है। यहाँ पे L1 जो हमें दिया गया था वो था 150 mm, यहाँ पे 150 mm, और जो लंबा था आर्म वहाँ पे 200 mm हमने L2 इंडिकेट कर दिया है। बीच में जो एंगल था वो हमने 140 डिग्री यहाँ पे इंडिकेट किया है। अब लोड जो आता है वो हमेशा जो हमारा वाल मैकेनिज्म है वहाँ आता है, यानी कि हमारा जो शॉर्ट लेंथ था वहाँ उसका एंड होता है, वहाँ पे लोड लगता है 3 kN। ओके, 3 kN। और जो हमारा जो कैम और फॉलोवर का जो फोर्शन है वहाँ पे लोड अप्लाई होता है पी, जो कि हमें नहीं दिया गया है, वो हमें फाइंड करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए यहाँ पे दोनों हमें जो अनदर वन एंगल यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है, मैं आगे बताऊँगा उसका यूज़ क्या होता है, लेकिन मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि जिससे आपको आगे हेल्पफुल रहेगा हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें। तो फ्रेंड्स, आपको आप जैसे जानते हो कि जो चतुष्कोण होता है, जो रेक्टेंगल मतलब जो चतुष्कोण होता है उसके जो चारों कोने होते हैं उसका जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रुककर आर्म है वहाँ पे जो लोड यहाँ लोड लगता है और यहाँ सॉरी यहाँ पे लोड लगता है और यहाँ पे एफर्ट होता है, तो वो वहाँ से हमें उसकी जो एक्सिस है वहाँ पे ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे एंगल लेके एक डॉटेड लाइन हमें बता देनी है। फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने डॉटेड लाइन बना दी है, तो वहाँ से हमें उसको एक्सटेंड करना है जहाँ तक ये दोनों लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को टच ना करे। ओके, तो वहाँ पे टच करना होता है तो वो जो हमने बनाया फिर वो बन गया चतुष्कोण। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये तीन एंगल है, 90 प्लस 90 और ये 140 डिग्री जो कि हमें दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हम ये एंगल जो कि हम उसको फाइव बोलते हैं तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें 180 माइनस 140 डिग्री। फ्रेंड्स, याद रखिए ये 90 है, ये 90 है, ऑलवेज 180 हो गया। अब 360 में से 180 हमने डिवाइड करे, ओके मतलब नहीं निकाल दिए, सॉरी डिवाइड नहीं निकाल दिए, तो 360 माइनस 180 किया तो ऑलवेज बचा कितना, 180। तो फ्रेंड्स, 180 बचा तो हमें ऑलवेज 180 में से ये जो हमें दिया गया है डिग्री 140 वो बात करना है, मतलब उसमें से निकाल देना है। तो ऑलवेज हमें क्या करना है कि 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे फाइव जो मिला है वो 40 डिग्री मिला है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे को। तो फिर फ्रेंड्स, जो हमारा एफर्ट है जो कि पी है जो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे मूवमेंट लेनी होती है। ये जो हमारा रोकर आर्म है आप जो देख सकते हो, तो वहाँ पे हमें दोनों तरफ से मूवमेंट लेनी पड़ती है उसके जो पिन है वहाँ पे। तो ओके, तो यानी कि हमें ये जो लोड है, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो लोड की एक्सिस है वो लोड विथ उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस से उसका डिस्टेंस है वहाँ तक जहाँ पे जो हमारा रोकर आर्म है वहाँ का उसे हमें कनेक्ट किया है पिन के माध्यम से, वहाँ तक का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो जो लोड है वो हमारा 3 kN यानी कि 3000 न्यूटन, क्रॉस जो उसकी लेंथ है वो 150 और उसके इज इक्वल टू यानी कि इस तरफ का लोड इज इक्वल टू इस तरफ का लोड, मतलब हमें दोनों तरफ की मोमेंट को सरखाना है एक दूसरे के साथ। तो दूसरी तरफ क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा लोड लगता है और मतलब एफर्ट लगता है, सॉरी एफर्ट लगता है वो, और परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस।
तो यानी कि लोड तो हमें पता नहीं है, तो उसकी हमने यहाँ पे जो नोटेशन है वो रख दिया, और जो उसकी लेंथ थी वो 200 mm थी तो वो रख दी। तो हम उसके उसके थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि P इज इक्वल टू 3000 क्रॉस 150 डिवाइड बाय 200, तो फिर हमें P मिल गया 2250 न्यूटन। ओके, अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ढूंढना है। रिजल्टेंट फोर्स ढूंढने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होती है कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा और होल को अंडर रूट। तो यहाँ पे हमको P मिल गया, लोड की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे दी गई है 2PQ, पी क्यू या कहो या फिर PW कहो, मैंने यहाँ पे W इंडिकेट किया है, या फिर आप इसकी जगह पे एक क्यू भी इंडिकेट कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, तो 2P तो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी। W यानी कि जो हमारा लोड है वो 3000 दिया गया है, और कॉस 40। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो फाई है उसकी आपको आगे कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, तो फाई हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। ओके, तो फाई जो है वो हमने 40 ले लिया है। ओके, 40 जो कि हमने यहाँ पे ढूंढ लिया था। चलो फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे टर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, जहाँ जो हमने यहाँ पे सब वैल्यू पुट अप कर दी, फिर उसका जो सिमुलेशन कर दिया है हमने, तो वहाँ से मिलता है हमारा R। तो R हमें मिला 4940.05। ओके, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4940, ये 0.05 जो हम निग्लिजिबल इन करके उसको हम जाने देते हैं, और यहाँ पे R nearly equal to 4940 न्यूटन। डिज़ाइन ऑफ फलकरम पिन, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे फलकरम पिन की डिज़ाइन। फ्रेंड्स, फलकरम पिन क्या है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो रोकर आर्म है वो, और जो हमारा टोटल मशीन का जो अनदर पार्ट्स है उसके को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो पिन इस्तेमाल होती है उसको रोकर आर्म की जो फलकरम पिन कहते हैं उसको फलकरम पिन कहते हैं। ये जो फलकरम पिन है वो यहाँ पे आती है। तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फलकरम पिन कहा, तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ता है R, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू तो फलकरम पिन की लेंथ। तो फलकरम पिन बेसिकली कैसी आती है? तो ऐसी आती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे उसको लॉक करने की कुछ मैकेनिज्म आती है। तो फलकरम पिन का क्या होता है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो इज इक्वल टू L, इसकी L और इसका जो डायामीटर है जो वो और जो बेंडिंग लोड यहाँ पे आता है, जो पूरे मतलब यहाँ पे रोकर आम आता है तो उसकी मोशन से यहाँ पे बेंडिंग हो सकती है। तो बेंडिंग का भी हमें इफ़ेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। बेंडिंग का इफ़ेक्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो फलकरम पिन का जो बेंडिंग होता है वो आता है। तो R इज इक्वल टू L क्रॉस D क्रॉस PB। ओके, तो R हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था, L हमको दिया गया है जो रेशियो मैंने आपको कहा था कि L इज इक्वल टू L बाई D इज इक्वल टू 1.2 का रेशियो दिया गया है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू 1.2D। ओके, तो L की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं कि वेयर L इज इक्वल टू 1.2D। ओके, तो 1.2D यहाँ पे पुट अप कर दिया, फिर D तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है डायामीटर ऑफ द फलकरम पिन। यहाँ पे बेंडिंग जो दिया गया है वो 8 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया गया है, ये आप देख सकते हो।
हम यहाँ पे सब वैल्यू पुटअप कर दी है, हम इसको सिमुलेशन करते हैं, तो हमें डी सिमुलेशन में फ्रेंड्स कुछ नहीं है कि यहाँ पे 14940 इज इक्वल टू 1.2 डी स्क्वायर क्रॉस 8 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको इसके डिवाइड कर देना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है, जो तो फिर वो हमको मिलता है डी 22.68। तो हम 22.68 मिला है तो उसको हम नियरली इक्वल टू 23 mm कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें राउंड फिगर चाहिए होता है, तो डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमने एल का जो हमको रेशियो दिया गया था उससे हमने फाइंड किया डी, तो हमें फ्रेंड्स डी तो मिल गया है, तो हम एल डी के माध्यम से एल भी फाइंड कर देते हैं। तो एल इज इक्वल टू 1.2 डी, तो 1.2 क्रॉस डी हमने 23 फाइंड किया है, तो एल इज इक्वल टू 27.6 ये हमें मिला। तो हम यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 28 mm लेते हैं। फ्रेंड्स कोई भी रोकर आर्म या फिर उसके फलक्रम पिन की डिज़ाइंस होती है उसमें अगर 27.5 या फिर किसी भी में 0.5 से कम आए तो हमें अप्रोक्सीमेटली 27 ले सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर हम सेफ्टी का उपयोग करें कि अगर हमारी जो डिज़ाइन है वो फेलियर नहीं हो जाएंगी लो ज़्यादा लोड आने से, तो हम ऑलवेज जो अगर 27.05 होता है या 0.67 कुछ भी होता है तो हम अप्रोक्सीमेटली 28 ले लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा ही लेने का, कम नहीं लेने का। अगर एक्चुअली हमें उसको अप्लाई करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे एल बी फलक्रम पिन का जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ओके अब हम उसको चेक करेंगे कि वो हमारा जो डायमेंशन हमने यहाँ पे फाइंड किया है ये डी ये एल ये जो हम रिजल्टेंट फोर्स इफेक्ट और जो ये यहाँ पे एफर्ट था वो ओके तो उसको चेक करने का है कि वो करेक्ट मिला है कि नहीं। तो उसके लिए आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2 × π/4 क्रॉस डी स्क्वायर इंटू टाउ। तो यहाँ पे फ्रेंड सीयर फेलियर होता है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोकर आर्म आता है तो अगर ज़्यादा लोड आया तो फिर यहाँ पे जो पिन है उसमें दोनों भाग पे यहाँ पे सीयर फेलियर हो सकता है। तो जो हमारे फलक्रम पिन है तो वहाँ पे सीयर फेलियर होने का भी हमें डर लगा रहता है, तो उसका भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि हमारा जो डायमेंशन है उसके मुताबिक यहाँ पे फेलियर नहीं होगा। तो उसके लिए R इज इक्वल टू 2 × π/4 क्रॉस डी स्क्वायर इंटू टाउ, तो R हमें यहाँ पे फाइंड किया था, ये यहाँ पे पुट अप कर देते हैं 2π/4 हुआ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। ओके तो डी स्क्वायर भी हमने यहाँ पे 23 लिया था, तो क्रॉस टाउ टाउ यानी कि सीयर फेलियर। तो टाउ हमें यहाँ पे सिमुलेशन करने से टाउ इज इक्वल टू 5.94 मिलता है, जो कि हमें जो मैक्सिमम टाउ यहाँ पे जो गिवन डेटा में दिया गया था वो था 40 N/mm². ओके इसको हम मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस कह सकते हैं, यानी कि अलाउएबल सीयर स्ट्रेस। तो ये हमारा अलाउएबल सीयर स्ट्रेस था, तो वहाँ पे हमने टाव हुआ, तो टाव जो यानी कि सीयर स्ट्रेस मिला वो 5.94 मिला, तो 5.94 न्यूटन प्रति mm² मिला, जो कि अलाउएबल स्ट्रेस से कम आया। तो ऑलवेज हमारा जो हमारा जो हमने फाइंड किया है हमारा वैल्यूज सब वो अगर सही तभी कहा जा सकता है जबकि हमारा जो अलाउएबल स्ट्रेस है उससे कम आए। अगर हमारा जो अलाउएबल स्ट्रेस जो हमको दिया गया है गिवन डेटा में वो अगर उससे जो ये स्ट्रेस आया है वो ज़्यादा होगा तो हमारी डिज़ाइन रॉन्ग है और वो फेलियर हो सकती है, यानी कि हमें उसके डायमेंशन बढ़ाने पड़ते हैं, तब जाके वहाँ पे ये जो अलाउएबल सीयर स्ट्रेस है उसे ये सीयर स्ट्रेस कम आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी 5.94 है, तो वो 40 से कम है तो हमारी डिज़ाइन सेफ है। डिज़ाइन ऑफ लीवर क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो हमारा लीवर है उसका जो वो क्रॉस सेक्शन है ओके, तो उसकी डिज़ाइन करनी है तो उसके उसमें भी बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ओके। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे हमारा जो है लीवर
वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा लोड अगर अप्लाई कर दिया गया तो यहाँ से बेंड होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसके लिए हमें डिज़ाइन ऑफ लीवर क्रॉस सेक्शन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम बाई जेड, जहाँ पे जेड यानी कि मॉड्यूलस ऑफ द सेक्शन, तो जेड इज इक्वल टू एम, तो जेड को हमने यहाँ पे ले लिया और उसको हमने यहाँ पे नीचे अप्लाई कर दिया। तो एम इज इक्वल टू यहाँ पे जो मोमेंट है वो जो हमारा था W इज इक्वल टू 3 kN और लेंथ थी 150, L इज इक्वल टू जो 150 था। तो यहाँ पे हमने सिंपली मोमेंट ली है, यहाँ पे हमने मोमेंट ली है जो हमारा छोटा सा रॉकर आर्म था उसकी। तो फ्रेंड्स आप या तो फिर यहाँ की भी मोमेंट ले सकते हो या फिर दोनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि जो यहाँ की जो मोमेंट है इज इक्वल टू यहाँ की मोमेंट होती है। तो आप या तो यहाँ से मोमेंट ले सकते हो वाल्व के फोसन से फलक्रम पिन तक, या फलक्रम पिन से एफर्ट तक की मोमेंट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मोमेंट मैंने 3 kN क्रॉस 150 लेंथ जो mm है वो ली है। तो यहाँ पे एम हमें मिलता है 4500000 इंटू mm। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे एम लिखा था यानी कि मीटर, वो मतलब एम लिखना रह गया था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एम। तो 4500000 इंटू mm हमें मिल गया है हमारा मोमेंटम। ओके तो सिग्मा बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम बाई जेड, तो जेड हमें फाइंड करना है सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ हमारा जो सेक्शन है उसका मॉड्यूलस है। तो जेड इज इक्वल टू एम बाई बेंडिंग स्ट्रेस, तो एम हमें मिल गया, तो स्ट्रेस हमें यहाँ पे दिया गया है, ये रहा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए आप चित्र दिया गया है। तो जो ये हमारा हमारा ऑलवेज आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सी टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है वही हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी हुआ। याद रखिएगा जो हमें गिवन डेटा में टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है वही हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमने यहाँ पे जो 70 था वो अप्लाई कर दिया है, तो जो मॉड्यूलस है वो आया 6428.57 mm³। जो सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है वो हमें mm³ में मिलता है यानी कि उसका वॉल्यूम मिलता है फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे हमारा सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस मिल गया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ द सेक्शन है वो यहाँ पे 6 जेड इज इक्वल टू 1/6 BH² बी यानी कि जो हमारा ब्रीथ है, जो हमारा जो लीवर है उसका जो ब्रीथ है उसकी थिकनेस मतलब जो ब्रीथ है और जो हाइट है वो एच और जो ब्रीथ है उसको हमें बी। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1/6 BH² तो जेड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था इज इक्वल टू 1/6 बी। अभी यहाँ पे एच हमें नहीं दिया है, उसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है एच का जो हमने आगे बताया यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि एच इज इक्वल टू 2.5 बी। ब्रिथ से 2.5 मल्टीप्लाई करने से हमें जो एच मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हो तो एच के जगह पे हमने 2.5 क्रॉस बी और स्क्वायर तो था ही, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे 2.5 क्रॉस बी स्क्वायर। ओके तो जहाँ पे वैसे ही यहाँ पे हमने सिमुलेशन कर दिया है, यहाँ पे बी स्क्वायर आता है और इसका स्क्वायर हो जाता है तो बी इंटू बी स्क्वायर यानी कि बी क्यूब होता है, बाकी सबका हमने सिमुलेशन कर दिया है तो हमें ये मिला। तो हमें यहाँ पे उसका क्यूब है उसका घनमूल निकालना पड़ता है। ओके तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 617.42 इसका हमें अंडर रूट 1/3 करना पड़ता है तो उससे हमें बी मिलता है 18.34। ओके तो हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे राउंड फिगर लेके उसको थोड़ा बढ़ा के यानी कि 90 mm ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एच के माध्यम से हमने बी फाइंड किया तो हमें बी एच तो फाइंड करना पड़ेगा तो वो तो हमें यहाँ पे उसका जो दिया गया है रेशियो, तो रेशियो के मुताबिक यहाँ पे 2.5 बी है। आप
आपको फिर से बता दूँ कि यहाँ पे 2.5B दिया गया है, तो 2.5B हमने 19 mm फाइंड किया, तो हम यहाँ पे रख के तो एच हमें मिलता है 47.5 mm, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 48 mm। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो हमारी रोकर आर्म की जो पूरी डिज़ाइन थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। फ्रेंड्स, आपको अगर और भी इसके बारे में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल टेक्नो पाथारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन को आप इजीली क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपैथ आरवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दी गई बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा कि जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमने रोकर आर्म की डिज़ाइन की है वो डिप्लोमा मैकेनिकल में आती है, सेम फिफ्थ में DME करके सब्जेक्ट है उसमें डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जैसे कि आप जानते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहते हो वो भी मैकेनिकल फील्ड में, अगर कोई दूसरी फील्ड होगी तब भी आपको मेरे जो वीडियोस है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन मैं आपको, अगर आपने मैकेनिकल फील्ड चूज़ की है तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको GTU की जो ट्रिक्स है कि GTU में इजीली पास आउट तो हो ही जाओगे अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, पर अगर आप उसमें स्कोरिंग करना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल टेक्नोपाथ आरवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली आप GTU में स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था वही जो बेस्ट ट्रिक्स थी मैंने आपको साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्मूला का एक बनाया है मैंने अच्छे तरह से, आप भी इसको बना लीजिए जिससे कि आपको जब GTU की एग्ज़ाम आएंगी तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। फ्रेंड्स, आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ लिप स्प्रिंग के बारे में मेरा अगला सेक्शन होगा, तो फ्रेंड्स तुरंत ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तो फिलहाल हम यहाँ से विदा होते हैं। नाइस टू टॉकिंग विथ यू तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको थैंक्स, और हमेशा सीखिए पढ़िए और स्कोरिंग करते रहिए टेक्नोपाथ आरवी के साथ। बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स इसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में दी गई बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। फ्रेंड्स, आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।